गांव मेरा देश नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम वो कार्यक्रम जिसके जरिए हम गांव की आवाम की आवाज इस मंच के माध्यम से उठाते हैं गांव देश का दिल गांव में धड़कता है गांव जहां पर वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त जाते हैं चुनाव जीतने के बाद इसी गांव को भूल जाते हैं हमारे इस कार्यक्रम का मकसद बिल्कुल साफ है जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं जो गांव के बाशिंदे हैं जो ग्रामीण हैं वो खुद बताएं कि गांव में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ नहीं हुआ तो विकास की वो कौन सी तस्वीर है जिसके दावे के आधार पर सरकारें जीत की नींव रखने की कोशिश करती हैं हमारा मकसद उस सेतु के जरिए आम आवाम गांव के बाशिंदे ग्राम प्रधान उनकी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाना है वो हुक्मरान जो कानों में तेल और रुई डालकर सोए हुए हैं और समस्याओं के समाधान के प्रति सिर्फ चुनाव के वक्त दावों के आधार पर कल्याण का दावा करते हैं लेकिन यहां आज हम ऐसे ही एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और यह विधानसभा है गढ़वाल की वो सीट जो इस वक्त सबसे हॉट सीट में से एक होने वाली है जानते हैं कौन सी श्रीनगर 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 यह वो विधानसभा सीट है जहां से मंत्री धन सिंह रावत मंत्री धन सिंह रावत विधायक हैं। और पूर्व में और इस बार माना जा रहा है पूर्व में गणेश गोद्याल गणेश गोद्याल यहां से चेहरे रहे और इस बार भी माना जा रहा है कि वही चेहरे होंगे गणेश गोदयाल कौन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब ऐसे में आकलन होना बहुत जरूरी है जैसे हमने चौबट्टा खाल का आकलन किया गांव के लोगों ने बताया कि चौबट्टा खाल में विकास हुआ ही नहीं सतपाल महाराज सपने दिखाए कोटद्वार गए हम कोटद्वार हरक सिंह रावत यशस्वी मंत्री जिनके जूते की नोक पर मंत्रालय होता है उनके क्षेत्र में विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ वहां की जनता ने बताया वहां की आवाम ने बताया गांव वालों ने बताया हम तभी इस कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ना छोड़े हम उन जनप्रतिनिधियों को जोड़े हम उन लोगों को जोड़े जो वहां के लोग हैं जो वहां के बाशिंदे हैं वो खुद बताएं कि हकीकत क्या है अच्छा है तो अच्छा बुरा है तो बुरा अच्छा है तो क्यों अच्छा है बुरा है तो क्यों बुरा है अब श्रीनगर के बारे में जान लीजिए श्रीनगर महत्वपूर्ण सीट और महत्वपूर्ण विकास के नजरिए से इसलिए है क्योंकि गढ़वाल में एक सेंटर पॉइंट के तौर पर देखा जाता है जहां से पहाड़ का हम जिक्र कर रहे हैं पहाड़ के परिपेक्ष में श्रीनगर बहुत महत्वपूर्ण है और श्रीनगर में अगर विकास की तस्वीर धुंधली दिखाई दे तो सवाल तब भी खड़े होते हैं जब खुद मंत्री यहां से विधायक हो तब भी खड़े होते हैं जब प्रदेश अध्यक्ष यहां से विधायक रहे हों अब ऐसे में आकलन बहुत जरूरी हो जाता है कि श्रीनगर में विकास क्यों नहीं हो पाया अगर हुआ तो कितना हुआ चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर सड़कों के परिपेक्ष में हो आखिरकार धरातल की हकीकत है क्या आज उसी का आकलन करेंगे आपको बताएंगे हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ करवाएंगे आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास मेहमान कोई बीजेपी कांग्रेस के नेता नहीं होते ना ही पार्टी के कोई प्रवक्ता होते हैं हमारे पास जो कार्यक्रम में साथ हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं जिनके लिए हम एक कार्यक्रम चलाते हैं वो होते हैं गाँव के लोग ग्रामीण या फिर गाँव के जनप्रतिनिधि जैसे ग्राम प्रधान हुए आज हमारे साथ जुड़ेंगे वासुदेव कंडारी जो कि व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं और वहीं के बाशिंदे भी हैं श्रीनगर के और साथ ही साथ मेरे साथ सुमन जोशी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे जोशी जी आपको बता दें वहां के ग्रामीण हैं तो श्रीनगर की तस्वीर का आज हम जिक्र करने वाले हैं श्रीनगर की तस्वीर का जिक्र क्यों जरूरी है उसका भी हमने आपको आकलन बताया परिपेक्ष बताया कुछ तस्वीरों का भी हम जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ मसला क्योंकि बीजेपी ने 2017 में यहां पर चुनाव जीता था अब कितना विकास किया विधायक जी ने मंत्री जी ने उसका जिक्र भी जरूरी है सुमन जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं सीधा सुमन जोशी जी के पास रुक करूंगा सुमन जोशी जी वहां के ग्रामीण है जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम में आप हमारे आज के मेहमान हैं हम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की तरह बीजेपी कांग्रेस वालों को बिठाकर कर तू तू मैं नहीं पढ़ना चाह रहे हम ये जानना चाह रहे हैं कि श्रीनगर की तस्वीर क्योंकि आज श्रीनगर का हम जिक्र कर रहे हैं और श्रीनगर का हाल क्या है वो आप बता सकते हैं हम तो यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर तस्वीरें दिखा सकते हैं लेकिन श्रीनगर का हाल क्या है आपसे जानना चाहेंगे सुमन जी सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपको ये मौका देने का अपनी बात रखने का जी मैं जो है श्रीनगर से हूँ और हमारे आसपास बहुत सारे जो गाँव के क्षेत्र हैं और जो श्रीनगर है ये सेंटर है बहुत सारे गाँवों का जी और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार यहाँ पर है जिसमें कि बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं और पांच साल के लिए सरकार आती है बहुत सारे दावे करते हैं हम आएंगे तो ऐसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो काम होते भी है और उस पांच साल के सीबी समय में कुछ काम रह भी जाते हैं और कुछ जो सड़क यहाँ पे जो गाँव को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ पे हैं उनकी स्थिति जो है कहीं कहीं बहुत ज्यादा खराब है ऊपर से जो है सरकार द्वारा पैसा जो है दे दिया जाता है लेकिन जो अधिकारी यहाँ पे जो जो क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पे हैं वो जो है बहुत लापरवाही इनके द्वारा देखी जाती है फंड सरकार से आ जाता है मुख्यमंत्री जी तो वहां पर खड़ा होकर काम कराएंगे नहीं

लेकिन जो आसपास के गांव हैं जिनके हालात बहुत खराब हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं थोड़ा आप हमें बता पाएंगे कि ये कौन कौन से गांव हैं जहां पर हालात इस वक्त जो है तस्वीर बता रहे हैं कि वहां सड़कों की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर है आप मुझे बता सकते हैं वो कौन कौन से गाँव हैं जी ये बचरसो पट्टी के पास जो बमसु गांव को जोड़ने वाले लिंक रोड है जी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से पैसा भी जो है फंड भी जो रिलीज हो गया है और गांव की जो तो सड़कें हैं ये जो है एक दो बारिश भी नहीं झेल पाती है तो बमसू गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड है जो तस्वीर इस वक्त आपके द्वारा दिखाई जा रही है जी बरसू गांव बरसू गांव जो है खेड़ाखाल वाली एक बमसू गांव बमसू गांव जी ये बचड़ से उपट्टी में आता है जी इसके अलावा एक खेड़ाखाल का मार्ग है खेड़ाखाल जिसमें हाँ जी खेड़ा काल के आसपास का एक मार्ग है उस, आ, उसके बीच में भी कई जगह जब बरसात अगर थोड़ी सी आती है तो गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल जाता है यहाँ तक कई बार गाड़ियां वहीं फंस जाती हैं जी और बरसात के दौरान जब ये नेशनल हाईवे हमारा बंद हो जाता है तो जितनी भी यात्रा वाली गाड़ियां जितने भी यात्री हैं उस सबको उसी मार्ग का जो है सारा लेना पड़ता है जिसमें सब जगह श्रीनगर और उद्र बिहार के बीच में जो है बहुत लंबी जान की स्थिति बन जाती है जी तो यानी जो श्रीनगर से जो रुद्रपुर या अगवाला रास्ता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वहां मतलब सड़कों की हालत जो है वहां पर आ, समस्या का विषय बनी हुई है आप यह कह रहे हैं सर... सम... सब सबसे सड़कें बनती हैं सड़के है, जी, जी सड़कें बनती हैं सरकार से फंड भी आता है लेकिन जो अधिकारी जिनकी निगरानी में यह कार्य हो रहा है बहुत निम्न कोटि का कार्य हो रहा है एक एक बारिश जो है वो सड़क झेल नहीं पा रही है अच्छा मैं अगर सही हूँ तो आप उसको करेक्ट करिएगा क्योंकि यही रास्ता केदारनाथ भी जाता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और केदारनाथ तो यहाँ तो ऑल वेदर रोड्स वगैरह भी बनी होंगी ना कि नहीं बनी जी बिल्कुल जो है ऑल वेदर रोड बनी है मोदी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जिसमें दो तीन सालों से कार्य जो है चल रहा है और रोड जो है काफी चौड़ी हो गई है काफी अच्छी सड़क हो गई है लेकिन जो जिनकी निगरानी में कार्य हो रहा है पता नहीं किस दृष्टि मतलब जो गाँव गाँव को कमेक्ट कर करने वाली सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है मतलब शहर शहर चमचमा रहा है लेकिन गाँव की हालत बद से बदतर है सही हूं मैं बिल्कुल 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 सुमन जोशी जी आप हमारे साथ बने रहिए मेरे साथ इस वक्त वासुदेव कंडारी जी भी जुड़ गए हैं जो कि व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं वासुदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम का क्योंकि हम इसमें बीजेपी कांग्रेस टूतूम एम एम नहीं पढ़ते हम वहाँ के आवाम की आवाज़ इसलिए उठाते हैं विधानसभा की ताकि जो हुक्मरान हैं जिनके कानों में तेल रोई और सो जाते हैं जब चुनाव आते हैं कहते हैं कि देखिए है, हमने विकास किया अब जैसे मैंने अभी सुमन जी से पूछा उन्होंने बताया कि चमचमाती सड़कें आपको दिखाई दे जाएंगी लेकिन वो असली तस्वीर नहीं है गांव की सड़कें देखेंगे वो असली तस्वीर है और वही तस्वीर हम दिखाना भी चाह रहे हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा वासुदेव कंडारी जी क्या हालात हैं श्रीनगर के क्योंकि माननीय यशस्वी मंत्री जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं मतलब धन सिंह रावत जी जिनका नाम चलता है उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया या नहीं किया क्या तस्वीर है वहां की श्रीनगर की मैं धन्यवाद करता हूं आपका चैनल का कि आपने हमें बुलाया जी सबसे पहले तो मैं बात करूंगा विकास की Hmm. जहाँ तक आप श्रीनगर की बात कर रहे हैं तो श्रीनगर में मुझे नहीं लगता है, है. Hmm. जो जो बावन बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया अभी जो जो उन्होंने घोषणा कराई यहाँ पे मेरी ड्राइव की घोषणा कराई तीन सौ करोड़ रुपए की सबसे बड़ी केंद्र सरकार योजना नितिन गडकरी जी ने इसका बाकायदा वो किया तो मैं, मैं कह सकता हूँ देखिए जो आदमी सत्ता में होता है जो कुर्सी में होता है हुँ. वो मुराद पूरी नहीं कर सकता लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं और मुझे मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर विधानसभा में कोई ऐसा काम है कि जो छूटा हुआ हो ठीक आप ये कह रहे हैं कि श्रीनगर विधानसभा में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो छूटा हुआ हो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ माननीय विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से मील का पत्थर स्थापित किया आप बता सकते हैं कोई स्कूल बनवाए हो कोई ऐसा स्कूल सिन्नगर, जी जी विधानसभा में जितने भी जो स्कूल है उन्होंने चटाई मुक्त अभियान चलाया है पे कोई भी बच्चा हमारी विधानसभा में चटाई में नहीं बैठते हैं उसको कुर्सी टेबल वान्य मंत्री जी द्वारा दिया गया है नहीं नहीं मैं तो नया स्कूल मैं जानना चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने क्योंकि उनको मुख्यमंत्री भी बनना है इस तरह की तैयारियां भी की गई हेलीकॉप्टर से भी आते हैं जाते हैं श्रीनगर बहुत सेंटर पॉइंट है मैं इसलिए पूछ रहा था कि उनको एक मील का पत्थर स्थापित करने के लिए एक स्कूल तो खोला होगा ना कोई एक स्कूल जिसका बारे में आप जानते हूँ एक तो उन्होंने खिरसू में भी डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है शिलान्यास नहीं नहीं उद्घाटन उद्घाटन तो मैंने बहुत सारे देखे हैं उत्तराखंड में कई उद्घाटन हुए और कई चले भी गए सर मैं जानना चाह रहा हूँ उद्घाटन नहीं शिलान्यास उसके लिए पैसा उसके लिए पैसा रिलीज हो चुका है शिलान्यास नहीं लोकार्पण किया हो किसी का कुछ पैसा रिलीज होना सर पैसे रिलीज होते हुए भी मैंने देखे हैं फाइलों में दब जाते हैं ऐसे देखे हैं मैंने बात सही है

जी विभाग कौन सा है मंत्री जी के पास मंत्री के उच्च है, है। शिक्षा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब अपनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए तो पूरे प्रदेश में आपने क्या किया होगा सवाल तभी खड़ा होता है है ना सर नहीं, नहीं नहीं तभी मैंने कहा कि मान्य यशस्वी धन सिंह रावत जी ने अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया उससे ही पता चल जाएगा पूरे प्रदेश का हाल क्या है जी। अच्छा ये सड़कों का हाल जो बता रहे थे मुझे बरसू गांव और खेला का खेला कड़ा कुछ इस तरह से बताया अभी मुझे सुमन जोशी जी ने वो सच में बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ ऐसी वहाँ मतलब सड़कों का विकास नहीं हुआ सड़कों के परि हाँ मैं एक बता दू ये जो उन्होंने रोड भेजा ये मेरे गाँव का है और ये पड़ता है हाईवे से आ, लिंक मार्ग है लिंक मार्ग मतलब ये लगा लो कि नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर आगे जाके लिंक मार्ग है इस इसमें पैसा तो सरकार की तरफ से पैसा तो आता है लेकिन जो अधिकारी है वो डकार जाते हैं न, उनकी नहीं, नहीं की मैं डकारी निराशा जनक वो लोग ध्यान नहीं देते इस चीजों पर क्यों नहीं ध्यान देते वोट मांगते नहीं मांगते यहाँ जाकर कि वह सिर्फ शहर का ही विकास करना है श्रीनगर का ही विकास करेंगे गांव का नहीं करेंगे या प्रतिज्ञा खाई खाएंगे ये 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 जो सड़क है ये माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में नहीं आता है अच्छा मान्य मंत्री जी के क्षेत्र में नहीं आता इसलिए जो है माननीय मंत्री जी नहीं बनवाएंगे विधानसभा विदा, क्षेत्र उनका नहीं है वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है ये हमारा रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग का का अच्छा का ठेका किसी और के पास है सर ठेके के पास मैं क्या बोल रहा हूँ कौन कौन से कंडारी जी करेंगे महातवर सिंह कंडारी तो करेंगे नहीं रुद्रप्रयाग में है ना नहीं नहीं हाँ तो वो कौन से कंडारी जी करेंगे वो कौन है बीजेपी में फिर वहाँ

और काम किया है लेकिन जो काम का जो स्तर था जो अधिकारियों के द्वारा जो काम किया जाना था वो इस श्रेणी का था कि वो एक या दो बारिश भी नहीं झेल पा रहा है मतलब ये था काम सड़कें सड़कें बनी है नहीं छूड़ है लेकिन, मैं मैं आपको बता रहा हूं जो आप समझा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं ये सड़कें तब तक बनती है जब तक नेताओं के महल नहीं बन जाते अधिकारियों के महल नहीं बन जाते तब तक वो सड़क बनती नहीं है वो तभी बनती रहती है बनती रहती है बनती रहती है वो तब जाकर कंप्लीट होती है जब जनप्रतिनिधि का मकान बनकर तैयार हो जाता है वो सड़क तब कंप्लीट होती है अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो चलिए मैं समझ गया सड़कों के क्षेत्र में भी समझ गया लेकिन स्वास्थ्य के परिपेक्ष में आप मुझे बता सकते हैं कोई नया अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मंत्री जी ने खोला हो वासुदेव कंडारी जी जहां तक स्वास्थ्य की बात करूं मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज यहां पे पहले केवल एक रेफरल सेंटर बना हुआ था रेफर सेंटर ठीक है पहले पहले जब से माननीय मंत्री जी ने विभाग संभाला है उन्होंने यहाँ पे सारी मशीनें चाहे अल्ट्रासाउंड की हो एक्सरे एक्सर हो या सीटी स्कैन हो यहाँ तक कि कोरोना काल में यहाँ पे मैं आपको बता दू राजस्थान से भी मरीज यहाँ पे आए हैं कोरोना के उनको यहाँ एडमिट किया गया श्रीनगर राजस्थान से जी मैं आपको उदाहरण मुझे नहीं नहीं मैं समझ नहीं पाया लॉजिक राजस्थान से कैसे आए वो क्योंकि उनको जब कहीं जगह नहीं मिली मतलब ये नहीं हुआ तो उनको ये, लग ये हुआ कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़िया इलाज चल रहा से से कम कम चार या पेशेंट मैं खुद वो गवाह हूँ सामने की बात है मतलब राजस्थान से लोग एडमिट होने श्रीनगर आए जी जब कहीं जगह नहीं मिली किसी को कहीं वो व्यवस्था नहीं कर्फ्यू लगा हुआ था वो कैसे पहुँच गए नहीं सर कर्फ्यू पेशेंट के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है अच्छा पेशेंट के लिए नहीं था कहाँ करके था अच्छा तो अच्छा आप टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं कितने टेक्नीशियंस हैं आपके यहाँ आप ये कह रहे गे कि पहले रेफर सेंटर था अभी अभी सारा है अभी यहाँ सर एक्सरे भी, भी हो रहा है सर हो रहा है लेकिन टेक्नीशियंस तो होंगे ना आपके पास बिल्कुल अच्छा ओके सुमन जोशी जी हालात ठीक है मतलब श्रीनगर के वहां पर अस्पताल में मगामानू की दून अस्पताल से भी बेहतर अस्पताल है वो बता रहे हैं मुझे ऐसा है क्या देखिए बावन बेड का जो है अस्पताल अभी बना है कुछ समय पूर्व और पहले अगर की अगर तुलना की जाए तो जो है जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्तर है वो काफी बड़ा है ठीक है समय के साथ साथ जो है स्तर को और बढ़ाना चाहिए आवश्यकता है और बढ़ने की लेकिन पहले के मुकाबले जो है जैसे जैसे समय बीतता है तो जो है काफी जो है स्तर बढ़ा है उसका बाकी कभी डॉक्टरों की कमी रहती है वो एक अलग विषय है मैं नहीं, उसी विषय में आना चाह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टरों की कमी अगर श्रीनगर में होगी हाँ जी हल्द्वानी में होगी

जैसे कोरोना में जो है ऑक्सीजन की काफी कमी कई क्षेत्रों में हो गई थी तो यहाँ पे भी, भी काफी बड़ा प्लांट मंत्री जी के द्वारा लगाया गया है और आईसीयू के बेड जो है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और कुछ नए डॉक्टर की गई है और इससे पहले अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता था तो अभी चिकित्सालय में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी की गई है अब किसी किसी समय डॉक्टर छुट्टी चले जाते हैं अपने निजी कार्य से तो वो एक अलग वो एक अलग चीज है वासुदेव जी

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर दिया अपना खुद का कॉलेज बना लिया उन्होंने खुद का कॉलेज और कह रहे हैं मैंने शिक्षा में बेहतरीन प्राइवेट तो नहीं, सर। नहीं, सर, नहीं।, नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि काम हुआ सड़कों की हालत बहुत बकार है क्योंकि गांव का मसला है अब मैं आपसे बिजली की समस्या के बारे में जानना चाह रहा था श्रीनगर में सुनने में आया कि लाइट बहुत जाती है क्या ये सच है सुमन जोशी जी नहीं नहीं एक सेकंड सर नहीं सर लाइट नहीं सर लाइट तो नहीं जाती है बारे में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है एक्चुअली मैं भी श्रीनगर से ही हूँ तो गांव के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा मैं लेकिन पहले के मुकाबले अगर आप तुलना करेंगे तो साहब से अब थोड़ा कम स्तर कम है लाइट जाने का पहले के मुकाबले अधिक जो है लाइट अब नहीं जाती है मतलब रहती, रह, रहती है लाइट प्रॉपर रहती है लेकिन ज्यादा ज्यादा मैं मतलब डीपली इसको नहीं बता पाऊंगा सर अच्छा एक बात वासुदेव जी मैं आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि श्रीनगर के परिपेक्ष में अगर हम देखें और समझें तो जब तीर्थ यात्रा चलती है चार धाम यात्रा शुरुआत होती है तब श्रीनगर में भीड़ भी बढ़ जाती है और श्रीनगर में तीर्थाटन के लिहाज से मंत्री जी ने क्या कदम उठाया क्या आप हमें बता सकते हैं सर देखिए श्रीनगर तो आ, वो हमारे यात्रा का मुख्य पड़ाव है जी और यहाँ पे तीर्थंड के हिसाब से आप कहेंगे यहाँ पे उन्होंने एक अभी जो बना यहाँ पे तो जो हमारे धारी देवी मंदिर है जी कमलेश्वर मंदिर है और राज मंदिर है इनको कनेक्ट

तो ऐसे सपने तो हमने देखे हैं धारी देवी की कसम खाने वाले वो मंत्री भी बन गए बने ना सर इसी उत्तराखंड में कि मैं कसम खाता हूं धारी देवी की है ना सर कौन था वो सब जानते हैं मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि वो काम हुआ या फिर चल रहा है कौन सा काम सर जो आप बता रहे थे कि कनेक्टिविटी कर दी है सब में हाँ हाँ वो हो, हो गया हो गया हो गया सुमन जी काम

जाम की स्थिति तो सर फिलहाल कुछ खास देखी नहीं जा रही है क्योंकि कोरोना के बाद से जो यात्री है वो काफी कम आ रहा है और रोड में जो है पहले के मुकाबले काफी चौड़ी है तो जाम की स्थिति तो कुछ खास देखने को नहीं मिलती है फिलहाल कहीं पर रोड अगर बंद हो जाती है तो उसको खोलने तक जो गाड़ियों की कतार लगती है वो उसमें कभी कभी जाम लग जाता है बीच में तो तब हो सकता है पहाड़ से गिर गया तो घंटों तक की समस्या है वहां पर सर भूस्खलन की समस्या तभी ये जब ऑल वेदर रोड का काम हुआ है तो नई कटिंग हुई तो कई कई जगह हो रहा है अब, अब मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ा अब कम हो चुका है पिछले साल ज्यादा था इस बार तो नहीं हो हम्म यानी कुल मिला श्रीनगर के परिपेक्ष में देखे तो समस्याएं हैं समाधान हो सकता है अगर मंत्री जी चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल हर सबको ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता अच्छा इस बार लग रहा है आपको कि पहले की तरह हॉट सीट बनेगी क्योंकि गणेश गोदयाल भी है मैदान में धन सिंह रावत भी हैं वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं की आदत पता क्या है वासुदेव जी जोशी जी कई ऐसे महान नेता हैं वो कहते हैं हम पलायन रोकेंगे क्या कहते हैं पलायन रोकेंगे और उनकी हकीकत मालूम है आपको वो खुद पहाड़ छोड़ के जो है वो मैदान पर आकर चुनाव लड़ते हैं कई नेता हैं कह रहे पलायन रोकेंगे सबसे पहला पलायन करते हैं खुद का और फिर परिवार का देहरादून में कोठी बना लेते हैं बढ़िया सी हर नेता नेता मंत्री की कोठी जो है वो आपको देहरादून में दिखाई देगी ये तभी तो सैड में जो है विवाद खड़ा हो जाता है हकीकत यही है तो वो पलाय इस बार मंत्री जी उम्मीद करेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो किसी रायपुर या राजपुर या, या फिर डोईवाला में जाकर चुनाव लड़े मुझे पूरी उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे जैसे एक मंत्री करते हैं कि इस बार विधानसभा अगली और अगली बार अगली मुझे मालूम है कि धन सिंह रावत भागेंगे नहीं उम्मीद करता हूं इस बार भागेंगे नहीं तो आपको लगता है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा सुमन जोशी जी पहला कमेंट आपका जी बिल्कुल मुकाबला जो है दिलचस्प होगा और जिस प्रकार से कार्य मंत्री द्वारा किए गए हैं तो काफी अच्छे कार्य किए गए हैं तो कहीं ना कहीं पे जो परिणाम है वो सकारात्मक होगा ओके फाइनल कमेंट आपका वासुदेव कंडारी जी, जी। मैं जानता हूँ आप चुनाव भी किसको जितवा रहे हैं देखिये जी चुनाव जीताना हराना तो चैनलों का तो नहीं नहीं व्यापार सभा देखिए आज मैं ये रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भागने की बात कर रहे हैं भागता वो आदमी जिसने काम नहीं किया ऐसा मत बोलिए मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कौन भागता अपनी विधानसभा छोड़ के हाथ पड़ोस की विधानसभा है रुद्रप्रयाग याद करिए कौन भागा था कोट

सर छोड़िए अब उस बात को मेरा मुंह मत खुलवाइए कुल खुल मिला हाँ, चलिए कुल मिला के श्रीनगर का विकास श्रीनगर का विकास हुआ है लेकिन जनता अब किसे मौका देगी ये भी एक महत्वपूर्ण है समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और समस्याएं हैं सड़कों के क्षेत्र में भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आप दोनों हमारे साथ जुड़े वासुदेव कंडारी और सुमन जोशी जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तो ये था मेरा गांव मेरा देश आज हम पहुंचे थे श्रीनगर जहां की आवाम ने बताया कि विकास तो किया मंत्री जी ने लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा विकास नहीं हुआ अगली बार होगी एक नई विधानसभा सीट की बात जहां जनता खुद बताएगी कि विकास हुआ या फिर नहीं नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड